सुविधा गम वेलकम। आज हम आपको बेबी झबला बताएंगे, छोटे बच्चों कैसे बनता है। ये हमारा वाइट कपड़ा है, प्योर कॉटन का। अभी गर्मी आ गई ना, तो कॉटन का कपड़ा बच्चों के लिए अच्छा रहता है, इसलिए ये मैंने सफ़ेद कपड़ा कॉटन का रखा है। अभी मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँ कैसे कटते हैं। छाती है, छाती की चौड़ाई ली है मैंने 10 इंच, और ऊपर का पार्ट किया है, लंबाई है इसकी 6 इंच। ये 6 इंच लंबाई है इसकी, यहाँ से ये इसका नीचा का हिस्सा है, नीचा का पार्ट। इसकी लंबाई है 9 इंच। ये अभी मैं आपको कटिंग बताऊँ कैसे करता है। ये मैंने डबल फोल्ड कर रखा है, डबल फोल्ड में ये 10 इंच की चौड़ाई है। अब इसको चौथा भाग में करूँ ऐसे, यहाँ से ऐसे। अभी मैं पहली तीरा लूँगी, तीरा लेना है मैंने इसका 3.5 इंच, तो कितना होगा बच्चों को 7 इंच। ये 7 इंच तीरा, यहाँ से इसका मुंडा लेना है, मुंडा लेना है, मुंडा कितना लेना है 4 इंच, यहाँ से 4 इंच। इस लाइन को और इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, और यहाँ से ऐसे। अभी इसकी गोलाई दे देंगे यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से गला मैंने रखना है बच्चों 1.5 इंच, 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच। तो यहाँ 1.5 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। गला की लंबाई 2 इंच, 2.5 इंच। फिर इसकी इस लाइन को ऐसे 2 इंच गोल गला रखना है ना, यहाँ से ऐसे। फिर इसकी भी ऐसे ही गोलाई दे दें, ये यहाँ ये मुड्डा होगा, ये गला होगा। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे, यहाँ से ये कटिंग होगी। अब इसकी गला की कटिंग करेंगे, दोनों तरफ से बच्चों को बराबर हो, यहाँ से भी यहाँ से, दोनों साइड से डाल सकते हैं बच्चों। अभी इसकी सिलाई लगाएंगे, और यहाँ से इसकी डोरी लगाएंगे ऊपर बांधने के लिए। बच्चों को बटन लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है छोटे बच्चों को, तो ऊपर से डोरी बांध दी शोल्डर से, इसकी यहाँ डोरी लगाएंगे। और ये भी इसकी सिलाई करेंगे। ये इसका घेर है, घेर इसका डबल है। जैसे चोली ये ऊपर का पार्ट 10 इंच है, तो ये घेर इसका 14 इंच का है, और ये है लंबाई 9 इंच। अभी ये घेर है इसका, नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है। अभी ये इसका घेर है, डबल हो गया इसका। तो यहाँ से चुन्नट डाल के हम इसकी सिलाई करेंगे, और पाइपिंग लगाएंगे इसको। अभी सिलना बताएंगे आपको। अभी ये कटिंग होगी, अभी हम आपको इसकी सिलाई बताई। ये मैंने इसकी पाइपिंग कट करी है ब्लैक। अब इसको मैं आपको ज्वाइंट करना, ये पाइपिंग हमारी ज्वाइंट होगी। अभी हम इसको आपको लगाने बताएंगे। ये हमारा गला है, आगे और पीछे दोनों बराबर। ये साइड का मुड्डा है दोनों तरफ से, तो हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से।
इधर रखे और ऐसे पाइपिंग लगाई। अब ये देखो, अभी मैंने चारों तरफ इसको पाइपिंग लगा दिया है। अभी मैं इसको कच्ची सिलाई मारूंगी सुई से और फिर इसको मशीन से लगाऊंगी। पाइपिंग लगा दिया चारों तरफ और ये बांधने के लिए लगा दिया। अभी मैं इसको चुन्नट डालूंगी यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला घेर के, ये घेरे है मेरा, यहाँ से बीच में कटिंग कर देंगे ऐसे। ये इसका बीच है यहाँ तक हाफ हाफ ऐसे। और अभी मैं इसको चुन्नट डालूंगी, ये मैंने डोरी लगा दी इसकी, अभी चुन्नट डालूंगा। पाइपिंग चारों तरफ लगा दें, ये मुड्डा में पाइपिंग और ये गला इसका, ये दोनों तरफ से, चाहे इस साइड से भराओ चाहे इस साइड से बनाओ बेबी को, दोनों तरफ से गला हो गया, ये डोरी हो गई, ये साइड का मुड्डा हो गया। अभी चुन्नट डाल लो, मैं ये कपड़ा है चुन्नट डाल के नीचे घेर, यहाँ से रखूँगी ये। ऐसे बारीक बारीक चुन्नट चारों, ये बेबी जुबला तैयार हो गया हमारा। ये चुन्नट डाल दिया और ये बेल्ट ऊपर बांधने के लिए, नहीं देखा कितना अच्छा सा पाइपिंग लगा के कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको ऐसे बच्चों को पहना के गला से और इसको ऐसे बंद कर देना, नहीं बटन का नहीं देखा से हो जाएगा दोनों तरफ से। कितना अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आओ तो अपने बच्चों को सील के पहनाना और शेयर करना। धन्यवाद आपका।